पिछले मॉड्यूल में हमने जैसे देखा था कि एक आ, पीवी साइकिल उसका नाम है कार्नाट साइकिल सादी कार्नो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था उसके नाम पे बना था उसकी अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी और लेकिन अगर वो साइकिल आपको समझ में आ गया कि प्रेशर कितना लगा कहाँ से वो फिर आ, स्पार्क आया फिर काम कितना हुआ इंजन से फिर दोबारा वो साइकिल चला तो वो अगर समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको आदि थर्मोडायनामिक्स तो वैसी समझ में आ गई बाकी थर्मोडायनामिक्स कुछ उसूल होते हैं जो मैं आपको समझा दूंगा उसके हिसाब से फिर वो जो कैनॉट uh, साइकिल जो होता है ना फिर उस हिसाब से चलता है वो साइकिल उसको भी देख लेंगे कैसे उसकी लिमिट क्या होती है तो थर्मोडायनिक्स जैसे नाम सुना है ना आपने थर्मो का मतलब हीट डायनैमिक्स मूवमेंट हीट मूवमेंट की क्या कंडीशन है तो हीट तो एक बड़े स्पेसिफिक सी एनर्जी हुई ना लेकिन थर्मो जो है वो हर चीज के ऊपर अप्लाई होता है हर किस्म की एनर्जी के अप्लाई होता है हालांकि नाम थर्मो है लेकिन नाम वो हर वो हर ये उसूल जिसकी मैं बात करूंगा ना अभी दो तीन ये हर एनर्जी के ऊपर अप्लाई होंगे तो ये इसको देखें हीट और काम जैसे पहले से हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि इंजन का काम ये होता है कि कोई एनर्जी ले और काम करे तो ये जो थर्मो डायनामिक्स उसूल है ये इंजन की एफिशिएंसी बताएंगे कि कितना एफिशंस हो सकता है अभी हम एक दो लॉज होते हैं जो थर्मो के जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे फिर उस हिसाब से समझेंगे कि कितनी हीट ली जा सकती है और उस ईट से कितना काम लिया जा सकता है ये एक बड़ी मज़े की बात इसमें से नजर आएगी कि आप चाहे कितनी भी हीट डालें एक लिमिट होती है उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते जैसे आदमी की होती है ना कि आदमी अगर रिकॉर्डिंग करा रहा है तो रिकॉर्डिंग क्या चार घंटे की हो जाएगी लेकिन उससे कह कहिए दस घंटे की रिकॉर्डिंग करें तो रिकॉर्डिंग तो, तो नहीं हो सकती ना दस घंटे की तो एक एफिशिएंसी की बात आती है हर चीज़ के अंदर तो वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्म से वो पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्माडाइनिक्स क्या हुआ वो बहुत आपने शायद पहले भी सुनी होगी बहुत ही पुरानी सी चीज़ें हैं ये कि एनर्जी जो है ना ना उसको आप क्रिएट कर सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना उसको बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं जो एनर्जी है वो है ये सारी यूनिवर्सल एनर्जी है सारी दुनिया सारी यूनिवर्स की दुनिया है कि नहीं सारी यूनिवर्सी की एक फिक्स एक एनर्जी है तो इससे बड़े बड़ी मज़े की चीज़ें निकलती हैं अब हम इतना परेशान हो रहे हैं कि एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और ख़त्म तो नहीं हो सकती वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी और ये कि दूसरी नई एनर्जी लेके आए लेकिन हम नई एनर्जी तो बना नहीं सकते तो इसका मतलब कोई पुरानी एनर्जी लेके उसको दूसरी एनर्जी बनाएंगे और फिर ये कि वो एनर्जी तो सब सब डिक डिके हो जाएगी जो सेकेंड लॉ में अभी समझाऊंगा तो फिर क्या पर, ये तो होना ही है तो वो उस थोड़ा सा ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो जाता है लेकिन उस तरफ नहीं जाएंगे हम सिर्फ फिज़िक्स की तरफ थोड़ा सा ध्यान रख के ये बात करेंगे कि एनर्जी जो है वो ना आप बना सकते हैं या ना बिगाड़ सकते हैं हाँ ये कर सकते हैं कि एक एक किस्म की एनर्जी दूसरी किस्म की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दें जो कि ये हम लगातार करेंगे बाकी सारे सेमेस्टर में इस एनर्जी को लिया उसको इसमें चेंज करें इंजन में क्या हुआ हीट एनर्जी को लिया और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया यही हुआ ना पिस्टन चलाए वो मैकेनिकल एनर्जी हुई ना जो हीट आई थी केमिकल एनर्जी फिर उससे हीट एनर्जी फिर उससे मैकेनिकल एनर्जी ये तीन स्टेप्स में उसको चेंज हुआ तो ये कर सकते हैं कि एक किस्म की एनर्जी को दूसरी में तब्दील करें लेकिन ये नहीं हो सकता कि एकदम से एनर्जी क्रिएट करेंगे जी मैं तो जी फिर हूं मैं सारे एनर्जी मैं खुद बनाऊंगा जिंदगी खुद बनाऊंगा तो ये नहीं हो सकता ये पहला असूल है दूसरा उसूल यह है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मे कि जब आप एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करें ना वो पूरी की पूरी कन्वर्ट नहीं होती आपने ली दस नंबर की एनर्जी उसमें शायद दो या तीन या चार एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है और बाकी पांच और छह बिल्कुल वेस्ट हो जाती है इसका हम कुछ नहीं कर सकते ये इंसान के बस की बात नहीं है ये थर्मोडाइनमिक का असूल है उसूल से यह है कि आप एक किस्म की एनर्जी दूसरे में कन्वर्ट करें ज़रूर लेकिन ये ना समझें कि पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी वो उसमें से कुछ परसेंट कम कन्वर्ट होगी बाकी बेकार हो जाएगी बेकार हो जाएगी कार का मतलब काम बे बगैर काम के रह जाएगी वो वो जो वेस्ट एनर्जी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गई तो ये इसको देखना पड़ेगा कि ये कितनी कर सकते हैं इसका मतलब एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कितनी एफिशिएंसी कन्वर्ट होती है अब ये फार्मूला देखें बहुत बहुत ही आसान सा फार्मूला है इसमें अब एक जो फिजिसिस्ट इस्तेमाल करते हैं ना कि हीट कहाँ से आई वो उसको जहाँ से हीट आती है उसको कहते हैं हीट रेजरवायर है ना हम ये करेंगे कि हीट लेंगे उससे कुछ काम करेंगे फिर देखेंगे कितने कितना उसमें से कितना निकाल के काम कर सकते हैं <laughs> तो हीट रेजरवायर से काम लिया और फिर ट्यू है ना और डब्ल्यू जो है वो वर्क है काम कितना किया उसके अंदर से तो क्यू एच माइनस क्यूसी जो QC है वह क्यू कोल्ड मतलब जितना बेकार हुई ना जिसका काम नहीं हो सकता था वो हमने बाहर छोड़ दी जो कोल्ड रेजर्वायर है तो ले, जहां से लेते हैं उसको हॉट रेजर्वायर कहते हैं जहां फेंकते हैं जो बेकार एनर्जी उसको कोल्ड रेजर्वायर कहते हैं तो क्यू एच माइनस क्यू सी जो है वो जितना काम है उसके बराबर है ठीक है ना दोनों को आप देख लें आप डब्ल्यू जो है वो क्यू एच प्लस क्यू सी है तो इसका मतलब डब्ल्यू क्यू एच माइनस क्यूसी के बराबर हो गया अब उसको अगर आप फ्रैक्शन बनाना चाहें तो पूरी कितनी निकाली क्यू एच से डिवाइड कर दें क्यू एच माइनस क्यूसी ओवर क्यू एच ये आपका कितना वर्क कर सकते हैं वो आ जाएगा ठीक है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दें हंड्रेड से तो फ्रैक्शन आ जाती है मैक्सिमम ऑफ द दॉनर्ट साइकिल कार्नॉट साइकिल जिसका मैंने अभी बात की थी ठीक है तो कितनी एनर्जी ली कितनी कन्वर्ट की काम में और कितनी वेस्ट हो गई तीनों का कनेक्शन इस इक्वेशन के अंदर से आ जाता है मैं पूरी इस इसमें तफसील में नहीं जाऊँगा लेकिन वो जो शादी कारणों की बात करते हैं ना क्यों का हीट है ना क्यों का मतलब हीट इतनी हीट ली हीट का मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे कूँगा आप डिफाइन करें कि गर्मी क्या होती है तो आप क्या कहेंगे सिर्फ एक चीज़ आपको समझ में आती है वो टेम्परेचर ये एक बहुत बड़ी बात की थी शादी कारणों ने कि क्यों को तो बड़ी क्यों तो बहुत फलासफल सी जगह फलासफल टाइप की चीज़ हो जाती है तो उसको छोड़ दें टेम्परेचर में बात करें क्यू के बजाय टेम्परेचर इस्तेमाल किया करें तो वो क्यू के बजाय हमने टेम्परेचर चेंज किया तो आखिरी जो इक्वेशन रेड में जो है ना वो एफिशिएंसी की आ गई कि वन माइनस टी सी ओवर टी एच वो आप ऊपर से देख लें क्यू कोल्ड ओवर क्यू हॉट थी उसको कन्वर्ट किया टी कोल्ड ओवर टी हॉट में तो वो बिल्कुल इक्वेशन जो है एफिशिएंसी की आखिर में वन माइनस टी सी ओवर टी एच आ गई उसको मल्टीप्लाई कर दें हंड्रेड से तो पूरी एफिशिएंसी उसमें पूरी आ जाएगी तो इक्वेशन देख लें और उसका डेरिवेशन देख लें बहुत ही आसान से मैथेमेटिक्स को इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स नहीं है उसके अंदर लेकिन अगर उसको समझ लेना तो अब हम आ, आ, बाद में बताएंगे उसकी एग्जाम्पल्स जिससे आपको समझ में आएगा कि फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं उसका मतलब क्या होता है एफिशिएंसी का हाँ अभी तो वही जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्म उसको समझना वो बहुत बड़ी बात होती है समझने की वो एंट्रोपी वगैरह का डिस्कशन आ जाता है जिसकी मैं बात करूँगा लेकिन उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है